अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और कैरियर से होंगे। तो आज का व्लॉग इज ऑल अबाउट, एक सडन प्लान हुआ है और हम कुछ खाने के लिए बाहर जा रहे हैं। हम कॉफी शेले जा रहे हैं क्योंकि काफी टाइम से हमारा प्लान था कि हम कॉफी शेले जाएं और वहाँ से उनकी डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें। तो ये प्लान है, मेरे साथ अलियास और जमील डेफिनेटली होंगे और हमारे प्लान बन रहा है। टाइम इस वक्त 9 बज रहे हैं, वी आर लेट, इट्स अ वर्किंग डे। तो लेट्स सी कि हम वहाँ जाके क्या ऑर्डर करते हैं। आई विल शो यू गाइस द होल सीन जो भी सारा होगा। आई एम गेटिंग लेट, सी यू, स्टे ट्यून्ड। कॉफ़ी शेले मैंने इससे पहले भी बहुत दफ़ा यहाँ खा चुका हूँ, 3-4 दफ़ा आ चुका अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन अपने इन फ्रेंड के साथ मैं आज फर्स्ट टाइम आया हूँ। और देर इज़ अ बैड न्यूज़ कि ये जो कॉफ़ी शेले है वो सिर्फ 28 अक्टूबर तक है, उसके बाद ये बंद हो रहा है ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न। तो जो जो है, जिनको खाना है, जिनको ट्राई करना है, वो प्लीज़ एक्सप्लोर करें। एंड दोज हु हैव वाउचर्स और बोगोस, तो प्लीज़ आएँ और अवेल करें, दे हैव स्पेशल डिस्काउंट एंड डील। तो बंद होने से पहले एक्सप्लोर कर लें क्योंकि इनके मील्स बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। तो इलियास मुझे आप बताओ क्या आने पहले। तो अल्लाह का शुक्र है, आप सुने खैरियत से? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। तो क्या फूड को लेकर एक्सपेक्टेशन है आज हम एक और जगह आएँ एक्सप्लोर करने के लिए? बिल्कुल, मेरा तो फर्स्ट टाइम है यहाँ पे, तो मेन्यू देख के इनका अच्छा ही लग रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, टेस्ट भी अच्छा होगा, एम्बियंस तो अच्छा ही है। हाँ, मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज क्योंकि इलियास को मैं लेके आया हूँ यहाँ और इलियास को मैंने कन्विंस किया कि अच्छा है। तो अब लेट्स सी के खाना कितना अच्छा है और इलियास उसको पास करते हैं, कहते हैं तो खाने के बाद पता चलेगा। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है एंड वी हैव प्लेस द ऑर्डर, लेकिन इससे पहले मैं अपने एक और फ्रेंड जमील, मेरा जो पार्टनर क्राइम है, वो भी मेरे साथ आए हुए। जमील क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक जाज़िब, आप सुनाए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो जमील ये बताओ कि व्हाट वी हैव ऑर्डर्ड, हमने अभी क्या ऑर्डर किया है ये थोड़ा सा बता दो। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल शायद जाज़िब ने बता दिया, हम कॉफ़ी शेले पे आए हैं, सही है, एक बहुत अच्छा कैफे, रेनाउंड कैफे। आज यहाँ पे मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है इलियास की तरह, सही है। सो हमने यहाँ पे ऑर्डर किए थे, कुछ 4 चीज़ें ऑर्डर की हैं, ठीक है। एपेटाइज़र एज यूजुअल हम ज़रूर ऑर्डर करते हैं किसी भी कैफे में जाते हैं, तो एपेटाइज़र में हमने इनकी स्पेशलिटी है गुजॉन चिकन, जो स्टफ़ चीज़ के साथ होती है, बहुत। इसके अलावा 3 मेन कोर्स, क्योंकि हम बहुत बुखड़ किस्म के हैं, ठीक है। और मेरे घर में ऑफिस में लंच किया था, उसके बाद किसी ने कुछ नहीं खाया। क्रिस्पी फ्राइड चिकन ऑर्डर किया इनका, सही है, जाज़िब की फरमाइश पे। इसके अलावा हमने किया है इनका रैंच सैंडविच, थोड़ा स्पाइसी टच देने के लिए, ठीक है। और इनका एक चिपोतले बर्गर, वो भी बड़ा स्पाइसी है सुना है। तो देखते हैं, लेट्स सी क्या सीन है। वी हैव प्लेस द ऑर्डर, जमील ने आपको ऑर्डर बता दिया है। अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, इलियास को तो मुझसे ज़्यादा भूख लग रही है। और इलियास की एक प्रॉब्लम ये है कि इलियास को खाना अच्छा नहीं मिलता तो नाराज़ हो जाता है, मैं चाहता हूँ कि इलियास नाराज़ ना हो। तो इलियास, तुम्हारी फूड के लिए एक्सपेक्टेशन क्या है ये बताओ। यार मेरी काफ़ी एक्सपेक्टेशन इनसे हाई, क्योंकि एक तो ये काफ़ी रेनाउंड एरिया है और मतलब ये प्लेस भी काफ़ी रेनाउंड है, लोग इसकी काफ़ी तारीफ भी करते हैं और मैंने भी सुना है पेज में रिव्यूज़ वगैरह, तो एक्सपेक्टेशन ज़ाहिर है मेरी हाई होगी। हमारे व्यूवर्स से ये रिक्वेस्ट है कि इसका चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी फॉरवर्ड करें, क्योंकि ये बंदा काफ़ी मेहनत कर रहा है। और तो ज़ाहिर है इसके सब्सक्राइबर जो है ना, इसकी मेहनत के हिसाब से नहीं तो होने चाहिए, सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें, हर कॉमेंट ज़रूर, हर चीज़ में कॉमेंट्स करें, आप लोग का प्यार दिखना चाहिए हर वीडियो पे इसके।
अच्छा जी, द वेट इज ओवर फाइनली और पहला आइटम हमारा आ गया है। इलियास के फेस एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं सब। तो इलियास क्या आया है सबसे पहले हमारे पास? ये हमारे एपेटाइजर आ चुके हैं, चिकन चीज कोजोंस। तो मैं ये ट्राई करके बताता हूँ कि कैसा है। सही है। और इसमें वैसे तो चिकन फिले और सराउंडिंग इसकी काफी क्रिस्पी लग रही है और सॉस भी काफी अच्छा टेम्पटिंग लग रहा है। तो ट्राई करके बताता हूँ। क्या कहता हूँ कि ये सिर्फ ट्राई नहीं करना, ये ऑडियंस को दिखाना है कि ये एग्जैक्टली है क्या, इसके अंदर क्या स्टफ हुआ है। तो मेरे ख्याल में वो ऑडियंस ज्यादा करें, जरा ये ऑडियंस को दिखाते हैं। इलियास ऑपरेशन करते हुए एपेटाइजर का फिले और ये जो है क्रिस्पी, इनके ट्राई करके बताता हूँ। हेलो, बहुत जबरदस्त। अच्छा नहीं, अच्छा है काफी। शुक्र है सही। नहीं, यहाँ पे बनता है, मुंह में जाते ही बाकी खुलता है। ओल्ड हाउस का नेक्स्ट बोलो, जाते खुल गया मुंह में जाते ही। लियास दूसरा बाइट लेते हुए, मैं दूसरा बाइट लेके बताऊं। अरे बोलने तो वाकई यार मुंह में जाते ही खुल गया ये। लियास की टैगलाइन, मुंह में जाके खुल गया। तो काफी अच्छा है, आप लोग भी ट्राई करें इसको। व्यूअर्स को खिला दो। गाइस हमारे मेन कोर्स आ गए, तो अब जाज़ेब इसका रिव्यू देंगे टेस्ट करके कि कैसा है। दिखने में तो काफी ये भी टेम्पटिंग लग रहा है। बिल्कुल, तो अब जाज़ेब बताएंगे। बिल्कुल, अभी मेरे पास अभी आया हुआ है चिकन रैंच सैंडविच, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही लजीज लग रहा है। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है लेट मी टेल यू। इसमें सबसे पहले चिकन है, ग्रिल चिकन है, साथ में एलपिनोज हैं और ये सॉस हैं, चीज़ इंक्लूडेड है। और आप देख लो कितना टेम्पटिंग लग रहा है, मैंने इसको ओवरऑल टर्न ऑन कर दिया। ये ब्रेड सैंडविच नहीं है, समथिंग डिफरेंट, जो इनका अपना कस्टमाइज बन है जिसके थ्रू इन्होंने बनाए। दे रहे हैं फोर पीसेस, टू और फोर पीसेस डिपेंड आप किस हिसाब से करना है, हमने फोर पीसेस करवा लिए थे। तो ये है जो कि मैं अभी ट्राई करके बताता हूँ आपको कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ट्राई करते हैं। बहुत ही जूसी है, बड़ा डिफरेंट है, क्रिस्प बीस में आ रही है, जो वेजिटेबल्स वगैरह डली में चीज़ का एक अलग फ्लेवर आ रहा है। अच्छा है, जो कि स्पाइसी खाना खाते हैं उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन है। दे वुड लव इट, मुझे ये अच्छा लगा, मैं दूसरी चीज़ें भी ट्राई करना चाहूँगा। तो मेरे हिसाब से इट्स गुड, रैंच सैंडविच इज़ गुड, यू शुड ट्राई इट। दूसरा मेन कोर्स है बर्गर, जो कि चिपोटले चिकन बर्गर है। इसमें भी ग्रिल चिकन है और सॉसेस हैं, अनियन है, ग्रीन अनियन है और ये आप देख सकते हैं सैलेड टाइप है पूरा। एक फीलिंग हो, ये बहुत ही सॉफ्ट टेम्पटिंग लग रहा है, यानी कि हार्ड बर्गर नहीं है बहुत, और जिनको क्रिस्पी बर्गर नहीं पसंद तो वो खा सकते हैं। मैं ट्राई करके देखता हूँ टेस्ट इसका कैसा है। खाना इस बिट डिफिकल्ट लग रहा है, बट चलो ट्राई करते हैं। बर्गर फाइन, बर्गर अच्छा है। अगर मैं सैंडविच और बर्गर को कंपेयर करता हूँ तो सैंडविच ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बर्गर भी फाइन है, ठीक है फाइन। बट ठीक है, मैंने डिफरेंट तरह के बर्गर खाया था, उस हिसाब से मुझे अगर मैं रेट करूँ तो उस हिसाब से मैं मैच नहीं कर सकता। बट ठीक है, बर्गर की क्वांटिटी और टेस्ट इज गुड, यू कैन ट्राई इट। अगर आपका मूड हो रहा है तो आप खा सकते हैं इनका, लेकिन फ्लेवर एक अच्छा दे रहा है। नो डाउट बर्गर मैसी लग रहा है, लेकिन मैसी है, फ्लेवर अच्छा दे रहा है, नो डाउट, लेकिन फ्लेवर एक बहुत अच्छा आ रहा है, तो नॉट बैड। अभी ये जो हमारा लास्ट आइटम है वो जमीन ट्राई करें मेरे पास। Moving on to our last item, Elias. क्या है Elias? ये इसका नाम मैं sorry भूल गया था, crispy fried chicken. हाँ, तो ये try करना है अभी, let's see कैसा होगा। So, तो बहुत ज़्यादा ये भी heavy duty सा item लग रहा है। Sauce में अगर हम लगा के खाएं तो ज़्यादा शायद taste इसका enhance हो जाएगा, let's see. बहुत अच्छा है, सारी गेम जो है इसकी सॉस की है, सही है।
सॉस का काफ़ी जो है वो एक हार्ड सा टच आ रहा है, और इसके साथ साइड लाइंस में इन्होंने मैक्सिकन फ्राइज भी दिए हैं, राइस भी दिए हैं, सही है। तो इसके साथ एक बाइट लेके देखते हैं, लेट्स सी। मैक्सिकन राइस में ज़्यादा आप दिखा सकते हैं इनको, डिफरेंट वेजीज भी इसमें है, सही है। बहुत आउटस्टैंडिंग राइस है भाई, ये भी हाईली रेकमेंडेड। जनाब अपने मीठे की क्रेविंग पूरी करने के लिए हम आ गए डेल्फियो, और यहाँ का आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही क्लासी इन्वायरमेंट रहा था, बहुत ही पीसफुल और बहुत ही सुकून मिल रहा था हमें यहाँ पे। गाइस ये डेल्फियो का मेन्यू था, और डेल्फियो का भी खाना बहुत अच्छा होता है, आई विल ट्राई टू शूट समथिंग। और खैर हम फटाफट अपने सेक्शन में आ गए, एंड वी हैव डिसाइडेड टू ऑर्डर वन कैपेचिनो, और उसके साथ हमारी गर्मा गर्म हॉट फ्रेज ब्राउनी आ चुकी थी, यू गाइस कैन चेक। और बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रही है। मैंने जब ट्राई किया तो वाह, मतलब आई जस्ट लव्ड इट। ये ब्राउनी तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस थी, और उसने मेरा मूड बहुत ही बेहतर कर दिया था, यानी मैंने बहुत इन्जॉय किया उसको। और यहाँ पर जमील भी ब्राउनी की हर एक बाइट को इन्जॉय कर रहे थे। सो गाइस कैपेचिनो भी हमारी आ चुकी थी, और मैं कैपेचिनो ट्राई कर रहा था, यानी कि विंटर में अगर आप आएँ तो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट मिलेगा, और आप यहाँ पे एंजॉय करें। हमने तो बहुत एंजॉय की यहाँ की कैपेचिनो। तो इलियास को हमने कुर्बान किया है। इलियास कैसा लग रहा है कुर्बान होके? बहुत अच्छा लग रहा है, ये दिल से नहीं कह रहे, तुम दिल से कह रहे हो? मुझे बहुत अच्छा लगा यार, क्यों नहीं तुमने तो दिल से खिलाए। ब्राउनी अच्छी थी, बड़ा मजा आया, अगर आप सर्दियों में खाएं तो बहुत ही मजा आए। कैपेचिनो ब्राउनी क्यों, क्या कहते हो जमील? बिल्कुल ऐसा ही, सर्दियों में आए आप कैपेचिनो और ब्राउनी खाएं, मज़ा आ जाए आपको। मतलब यहाँ पे हम करते हैं आज अपने वीडियो का एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करें, शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।